हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुरजी। यू आर वॉचिंग बेदी लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा पीआर होल्डर की। कनाडा पीआर होल्डर को लेकर एक अपडेट आई है। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें ताँ जो कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहता है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको कनाडा के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को ने पीआर होल्डर को लेकर एक अपडेट दी है। उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में पीआर होल्डर की गिनती इंक्रीज की जाएगी और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के कारण उनकी इकनॉमी काफ़ी डाउन हो चुकी है, जिस कारण उन्हें काफ़ी लॉस हो चुका है। इस लॉस को फुलफिल करने के लिए 2021 और 2023 तक पीआर होल्डर को जो एक्सटेंड किया जाएगा, उनकी फाइल एक्सटेंड की जाएगी, इंक्रीज की जाएगी। सो पीआर होल्डर के लिए जो गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। इस वीडियो को, इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताँ जो ये वीडियो सब तक पहुँच सके। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपके सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दी लर्निंग।